हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत TDS और TCS रिटर्न के लिए नई डेट क्या है और सर्टिफिकेट इशू करने के लिए कौन सी डेट है। taxhill.com के यूट्यूब चैनल पर मैं CA सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुँच जाए। फ्रेंड्स, यदि आपकी GST या इनकम टैक्स रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे लाइव पूछ सकते हैं। हर रोज़ 7:30 PM टू 8:30 PM मैं लाइव रहता हूं मेरी यूट्यूब चैनल CA सतबीर सिंह पर। फ्रेंड्स, CBDT यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा 24 जून 2020 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें कि TDS और TCS रिटर्न फाइल करने के लिए डेट को एक्सटेंड किया गया था। फाइनेंशियल ईयर 19-20 के क्वार्टर फोर के लिए 24Q, 26Q, 27Q और 27EQ यानी कि TDS और TCS की स्टेटमेंट सैलरी या फिर नॉन सैलरी के केस में जो आपको 31 मई 2020 तक फाइल करनी थी वो अब आप 31 जुलाई 2020 तक फाइल कर सकते हैं। इसी प्रकार फ़ोन नंबर 24Q, 26Q, 27Q एंड 27EQ जो कि आपको फाइनेंशियल 2021 के क्वार्टर वन और क्वार्टर टू के लिए फाइल करनी है स्टेटमेंट एज पर रूल 31A एंड 31AA वो आप 31 मार्च 2021 तक फाइल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहां पे आपको ध्यान रखना है कि TDS की पेमेंट करने के लिए डेट एक्सटेंड नहीं की गई, TDS रिटर्न को फाइल करने की डेट एक्सटेंड की गई है। इसी प्रकार फ्रेंड्स, फरवरी 2020 के लिए 26QB, 26QC और 26QB स्टेटमेंट फाइल करने के लिए 30 मार्च 2020 लास्ट डेट थी जिसे एक्सटेंड करके 31 जुलाई 2020 किया गया था। 26QB, 26QC, 26QD मार्च 2020 के लिए आपको फाइल करनी थी 30 अप्रैल 2020 तक, इसके लिए डेट एक्सटेंड करके 31 जुलाई 2020 की गई है। 26QB, 26QC, 26QD अप्रैल से नवंबर 2020 के पीरियड के लिए आपको 30 डेज के अंदर फाइल करनी होती थी। जैसे ही आप टैक्स डिडक्ट करते थे उस महीने के ख़त्म होने के बाद 30 डेज के अंदर, अभी आप 31 मार्च 2021 तक फाइल कर सकते हैं। इसी प्रकार फ्रेंड, TDS और TCS सर्टिफिकेट इशू करने के लिए डेट को एक्सटेंड किया गया था। फाइनेंशियल 19-20 के लिए जिन व्यक्तियों का सैलरी के अंतर्गत TDS कटा है उनके लिए फ़ोन नंबर 16 में TDS सर्टिफिकेट इशू करना था 15 जून 2020 तक, अब उसे एक्सटेंड करके 15 अगस्त 2020 किया गया है। इसी प्रकार फ्रेंड्स, नॉन सैलरी के केस में TDS सर्टिफिकेट फ़ोन नंबर 16A में इशू किया जाता है। फाइनेंशियल 19-20 का जो फोर्थ क्वार्टर था यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च 2020 उसके लिए भी TDS सर्टिफिकेट को इशू करने की डेट को 15 अगस्त 2020 किया गया है। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल 19-20 के लिए TCS सर्टिफिकेट क्वार्टर फोर के लिए इशू करने की डेट को एक्सटेंड करके 30 मई 2020 से 15 अगस्त 2020 किया गया है। फ्रेंड्स, यह नोटिफिकेशन जो कि 24 जून 2020 को CBDT के द्वारा इशू किया गया था जिसमें के ड्यू डेट को एक्सटेंड किया गया था, आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं, यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxhill@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक यह जानकारी पहुंच पाए। अब आप मेरे चैनल CA सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस एक्स्ट्रा पर उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड, जिन लोगों ने CA सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।